भारतीय क्रिकेट के एक और सितारे ने अंतर्राष्ट्रीय मैच के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, यह कोई और क्रिकेटर नहीं बल्कि मुरली विजय है। दोस्तों, मुरली विजय के संन्यास के कारणों को जानने के लिए वीडियो को अंत देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, मुरली विजय के संन्यास के कारणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारतीय चयनकर्ताओं की ओर से लंबे समय से नजरअंदाज किए जा रहे थे। मुरली विजय को पिछले 5 साल से भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी का इंतजार था, लेकिन भारतीय चयनकर्ताओं की नजरों में वो फिट साबित नहीं हुए। आखिरकार थक हार कर मुरली विजय को बीसीसीआई से नाता तोड़ना पड़ा। हालांकि संन्यास के ऐलान के साथ ही अपने तमाम चाहने वालों को मुरली विजय ने शुक्रिया कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ने यह भी ऐलान किया कि अब वे विदेशी लीग मैचों में अब अपनी किस्मत अजमाएंगे। वैसे आपको याद दिला दे तो हाल ही में मुरली विजय ने भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को लेकर बड़ा बयान दिया था। मुरली विजय ने कहा था, टीम मैनेजमेंट ने जो समर्थन वीरेंद्र सहवाग को दिया वो अगर उन्हें मिलता तो वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफी कुछ कर सकते थे। एक शो में बातचीत के दौरान कहा था कि मुझे जानबूझकर वीरेंद्र सहवाग जैसी आज़ादी नहीं दी गई। मुरली विजय ने इसी शो में कहा था कि भारत में यह धारणा है कि 30 साल का होते ही हमें अनदेखा किया जाता है, इसके बाद हमें 80 साल का बुजुर्ग समझ लिया जाता है। मैं किसी तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, मीडिया को भी इसे अलग तरीके से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि 30 साल की उम्र के बाद भी शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। वैसे दोनों खिलाड़ियों के आंकड़ों पर नजर डाले तो मुरली विजय पर सहवाग भारी पड़ते हैं। सहवाग के बेखौफ अंदाज में खेलना उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाता है। मुरली विजय ने टेस्ट में कुल 61 मैच खेले और इस दौरान 3,982 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 15 अर्धशतक शामिल है। इसके अलावा 17 वनडे मैच में विजय ने 339 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्च स्कोर 72 रहा। वहीं 9 T20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए उन्होंने कुल 169 रन बनाए।